देश में कोरोना वायरस के ताजा मामलों ने चिंता बढ़ा दी। बुधवार को कोरोना संक्रमण के 9,985 के साए, इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,76,583 पहुंच गई। इस तरह भारत दो दिन में ही कोरोना वायरस के केस के मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर पहुंच सकता है। अभी ब्रिटेन में 2,87,000 केस है, जबकि भारत में 2,76,000 केस है। चौंकाने वाली बात यह है कि देश में कोरोना के करीब आधे मामले 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मिले हैं। कोरोना में अब तक देश भर में 7,745 लोगों ने जान गंवाई। कुल मृतकों की संख्या में आधे लोग इन्हें 4 महानगरों के थे। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन में अब देश के कई हिस्सों में ढील दी जा रही है। इस बीच भारत में भी 1 जून से लॉकडाउन के 5वें चरण के बीच अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं अब एक स्टडी में कहा गया है कि भारत उन 15 देशों में से है जहां लॉकडाउन में दी जा रही ढील के चलते कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है और इसे दोबारा लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अनलॉक के बाद तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राजस्थान के बॉर्डर फिर से सील करने के आदेश जारी कर दिए गए। आदेश के बाद बुधवार को सुबह बॉर्डर सील करने का सिलसिला शुरू कर दिया। कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने सीएम निवास पर समीक्षा बैठक भी बुलाई। बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सहित कोर ग्रुप के सभी अधिकारी मौजूद थे। वीसी से अन्य वरिष्ठ अफसर भी जुड़े। बुधवार को सुबह डीजी लॉ एंड ऑर्डर ML लाठर ने संबंधित जिला SP को सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सील करने के ऑर्डर जारी कर दिए। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आज एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल मेरा कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ और रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैं पिछले 2 दिनों से कमरे में बंद था। दिल्ली में आज 31,000 कोरोना के केस है, जिनमें से 12,000 लोग ठीक हो चुके हैं। केजरीवाल ने माना कि दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना फैला है।